नमस्कार सभी लोगों को, जय जमुना मैया की। मैं जयकांत एकला आज पंचदेव यमुना नदी में समित सचिव। इस समय डॉल्फिन दर्शन केंद्र के ठीक नीचे आज से बारिश की महीनों की शुरुआत होती है, आषाढ़ महीने की। और क्योंकि यह महीना मछलियों का प्रजनन काल का समय होता है, उनको संरक्षित करने का समय होता है, और इसलिए इसी उद्देश्य से लोग मछली घर घर दिखाते रहते हैं लोगों को आज के दिन। और साथ ही साथ जो भी हमारे खाद्य पदार्थ है, जैसे हमारे यहाँ तो जमुना किनारे लटहा परीवा के नाम से प्रसिद्ध है, महुए के लाटा बनाया जाता है, जो कि आप ऐसा खाद्य पदार्थ है जो महुए को कूट के बनाया जाता है भून के, और ये काफी दिन तक सुरक्षित रहता है। इसी तरह मछली भी घर घर दिखाई जाती है। एक उद्देश्य ये होता है इसके पीछे कि इस समय जो कि जलीय जीवों का, खासकर समुद्र में तो 80% जलीय जीवों का प्रजनन काल होता है, और नदी में भी मछलियों का खासकर प्रजनन काल होता है, तो इस समय उनको संरक्षित करने की जरूरत है और इनके मारा ना जाए। आप देखिए, ये मछुआरा समाज दिखाओ, ये देखिए मछुआरा समाज के लोग हैं, अभी भी इन्हें शिकार किया है। अभी इनसे हम बात करेंगे कुछ देर बाद इनसे बात करेंगे, समझाएंगे कि ये मछली इस महीने में 4 महीने प्रतिबंधित होता है। और कल हमको देखिए मछली और कछुआ दोनों चीज है ये, और ये कछुआ कल हमको हमारे खेत में मिला, जहां पे ये इसको अभी हम नदी में छोड़ देंगे, और फिर ये एक तरह से कछुआ जो कि वन्य जीव नियम के तहत इसका शिकार करना प्रतिबंधित है, और साथ ही साथ डॉल्फिन भी, क्योंकि इस घाट में डॉल्फिन भी पाई जाती है, उसका भी प्रतिबंध है शिकार पे। और ये इसके पहले भी हम एक बार कछुए को नदी में छोड़े थे, जैसे खेत मिला था। ये हमारे साथ इस समय ये समिति के सदस्य हैं रिशु, और ये रिशु हैं और ये शिशु हैं, ये दोनों लोग इस कछुए को छोड़ेंगे। ये नदी मित्र समिति के हमारे बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। आइए चलते हैं। तो इस 4 महीने शिकार का प्रतिबंध होना चाहिए। इधर इधर डालिए, इधर ये फोटो ले। रुके रुके, कहीं दिखा के थोड़ा पकड़ के शिशु मार दी पंजे, तो वही सड़क से छोड़ दियो। ऊपर करो, फोटो लियो, अच्छा वीडियो रह दो, वीडियो कैंसिल करो, फोटो भी हो। ये अब हम कछुए को नदी में छोड़ने जा रहे हैं, इसके बाद आइए शिशु जी, आइए देखिए। हाँ जाइए, जय जमुना मैया की, जय जमुना मैया की, जाइए छोड़ दो जा। ओके, तो इस तरह से हमने इस कछुए को नदी में छोड़ दिया, जो कि ये खेत मिला था, और पानी काफी साफ है। अब मैं ये मछुआरा समाज के लोग हैं कुछ, आप लोगों को पता है कि इस महीने में मछली मारना प्रतिबंधित है, जानकारी है कि नहीं? हाँ, तो ये आप ये समझिए कि आषाढ़ के बाद से फिर कुंवार तक मछली मारना कानूनन जुर्म है, ठीक है ना? अब आज तो आप लोग शिकार कर रहे हैं, लेकिन फिर आज से आप शिकार न कीजिएगा, इसलिए कि इस समय मछलियां जो हैं अंडे देने लगती हैं, प्रजनन काल होता है। जब अगर आप लोग शिकार करते रहेंगे तो फिर मछलियां कैसे अंडे देंगे और कैसे इनका विकास होगा?